পিছড় পড়লো পিছড় পড়লো আমার খালি মুড আর ছড়। Welcome to Simply Lakshmi's Life. Hey guys, welcome back to the channel. तो बहुत दिनों के बाद हाँ, तो आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं और हम सब भी अच्छे हैं। हम लोग मतलब फिलहाल हम लोग मतलब इन द वे ऑफ क्या बोलते हैं उसको सुधर रहे हैं। हाँ, हम लोग का तबीयत थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे वी आर इम्प्रूविंग। हाँ, नहीं मम्मी भी ठीक है, मेरे पापा भी ठीक है, कृति हाँ बीच में कृति का भी तबीयत थोड़ा सा खराब हो गया तो था, वो भी थोड़ा मतलब धीरे धीरे उसका मतलब प्रोग्रेस हो रहा है। हाँ, और अभी भी कम्प्लीटली मतलब ये नहीं हुआ है उसका। हाँ, तो पता नहीं कैसे हम सबको फूड पॉइजन हो गया था। तो जो भी हो अभी सब ठीक है। तो मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, तो आप लोगों के साथ मैंने थोड़ा सा शेयर किया था कि ऐसा ऐसा चल रहा है। उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ, बट तबीयत को लेके एक्चुअली सो कृति का तबीयत खराब होना, और हाँ मेरे पापा अभी ठीक है, दो दिन के बाद ही पापा धीरे धीरे ठीक हो गए थे, लेकिन जो हुआ था बहुत सीरियस हुआ था। एंड थैंक यू सो मच, आप सबकी ब्लेसिंग, आप सबका जो लव है जो आपने मतलब उस टाइम दिखाया था, एंड थैंक यू सो मच इसके लिए। सच में मतलब कभी कभी ना ये सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है, और जो हमारा कनेक्शन है उसको फील भी करवाता है। सो इसके लिए थैंक यू सो मच। सो बहुत दिनों के बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा मतलब एक हफ्ते पहले का एक वीडियो है। हाँ, फादर्स डे का एक वीडियो है जो हमने शूट किया था उस टाइम। सो वो हमारा बहुत ही मतलब सडन एक बहुत अच्छा प्लान बन गया था, तो उस टाइम में मैंने थोड़ा बहुत शूट किया था। उसके बाद मंडे मैंने लास्ट व्लॉग दिया था, उसके बाद से स्टॉप था। तो वही फादर्स डे वाला दिन जो था उसी का वीडियो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से हमने उस दिन स्पेंड किया। सडनली हम लोगों का एक बहुत अच्छा प्लान बन गया था, तो वो मैंने मोमेंट जो है कैप्चर किया था, तो वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी मम्मी पापा कृति सबसे मिल लेते हैं और भी बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, उनसे भी मिल लेते हैं। चलिए और मम्मी पापा आने के लिए त्रीना हमारी जो फ्रेंड है त्रीना एंड सौमेंदु दा, तो उन दोनों ने मम्मी पापा को बुलाया, और साथ में हम जो फैमिली यहाँ पे रहते हैं सब मिलके हम लोगों का एक अड्डा हुआ था उस दिन। और उस दिन फॉर्चुनेटली फादर्स डे भी था, तो त्रीना ने केक बना के सबको सरप्राइज़ कर दिया था, और हमारा फादर्स डे सेलिब्रेशन भी हो गया सबके साथ। सो बहुत अच्छा इवनिंग स्पेंड हुआ हम लोगों का। আচ্ছা খুব সুন্দর হয়েছে কেকটা। मम्मी को यहाँ पे ना अपना फ्रेंड सर्कल मिल गया है, देखो चार फ्रेंड मिल गया मम्मी को। हाँ
হলো খেলা, এবার বাড়ি যাবো আমরা। আরো বাকি আছে, তুমি খেলছো না? না তুমি হয়ে গেছে তোমার? কেকটা দারুণ হয়েছে, আর মানে এত ভালো করে স্পেশাল হয়ে গেল দিনটা, ভালো লাগলো। সেটাই বলছি যে ত্রিনা আজকে দিনটাকে স্পেশাল বানিয়ে দিল, হ্যাঁ না? সেই জন্য ত্রিনাকে একটু থ্যাংক ইউ বলা উচিত আমাদের। মাদার্স ডেও হতে হবে, হ্যাঁ না? আমাদেরও দরকার। ত্রিনা এবারে দিয়ে রাখলো, মানে পরের বারের জন্য দাদার কাছ থেকে। এবার চলো, আবার টিভি চলছে কেন? হ্যাঁ, যেতে মন করে না যে তাই। আমার মত থাকলে তো এখন কত যে জমত। হ্যাঁ সত্যি আমার যাবো। ये जगह दोनों साइड से ओपन है ना, तो पानी आता है। वही आगे टाते आछे वही खंडा दे। हां वही खंडा पड़े छिलो मां। और बाहर ना बारिश हुई है, अभी भी थंडरिंग हो रहा है। और इस तरह से ना बेंगलोर का जो वेदर है ना, सडनली चेंज हो जाता है। तो अभी जो वेदर है थोड़ा सा ठंड है बाहर। और कृति और मम्मी दोनों मिलके अभी लूडो खेलते हैं। और दोनों ना, मतलब दोनों तो खेलते हैं, लेकिन पापा कृति का साइड लेते हैं और कृति को सपोर्ट करते हैं कि किस तरह से खेलना है, गाइड करते हैं। একটা এসে নাকি দুজন তিন হচ্ছে না দুই সোনু জিতলো নাকি অতচ জিতে গেল সবগুলো উঠে গেছিল আমার তিনটা ছিল কিছড় পড়লো আমার খালি পুট আর ওর ছয়।